दोस्तों आज मैं बनाने जा रही हूँ ओट्स की खिचड़ी। इसके लिए मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल डाल लिया है। बनाने जा रही हूँ ओट्स की खिचड़ी इसके लिए मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल डाल लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। हमारा लहसुन थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा और उसमें डालेंगे प्याज। दोस्तों मैं बहुत कम तेल का यूज़ करके खाना बनाना पसंद करती हूँ। आप चाहें तो इसमें और तेल डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। अब मैं इसमें डालूँगी प्याज, ज़्यादा फ्राई करने की जरूरत नहीं है। प्याज थोड़ी सी हमारी भुन गई है, मैं डालूंगी टमाटर और छोटी सी गाजर शिमला मिर्च। आप चाहें तो इसमें और भी सब्जियाँ जो आपको पसंद हैं आप मिला सकते हैं। इसमें थोड़ा सा भर लेंगे जैसे जैसे सब्जियाँ थोड़ी थोड़ी भुन चुकी हैं। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। डालेंगे हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा जीरा पाउडर, थोड़ा गरम मसाला पाउडर। एक मिनट तक भूनेंगे इसको, बहुत ज़्यादा भूनने की जरूरत नहीं है। अब हम इसमें मिला देंगे हमारे ओट्स और इसको भी हम 2 मिनट तक इसके साथ रोस्ट करेंगे। तो अब ये ओट्स भुन गए हैं, अब हम इसे पानी में ऐड करेंगे। अब इसको 2 मिनट तक ढक के पकाएंगे। और दोस्तों आप देख सकते हैं 10 मिनट पकाने के बाद इसका ये टेक्सचर आया, ये देखिए। हमारी ओट्स की खिचड़ी पूरी तरह से बन के तैयार हो गई है। इसमें मैंने नमक भी ऐड कर लिया था, आप अपने स्वाद अनुसार इसमें नमक ऐड कर लें। और इसमें आप धनिया की पत्ती ऐड कर सकते हैं गार्निशिंग के लिए। दोस्तों इसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ देंगे, थोड़ा सा नींबू का रस डालने से खट्टापन आता है, अच्छा टेस्ट आता है।